हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर सालन बन के हो चुका है तैयार। यहाँ पर बन रहे थे चने, तो यहाँ चने बनने की हो रही थी तैयारी। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर डाला मैंने ज़ीरा। ज़ीरा जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर अब ज़ीरा हल्का हल्का ब्राउन हो गया, तो यहाँ पर उठाई हमने चॉप हुई हुई प्याज, तो यहाँ पर प्याज डाल दी। तो बस अब हम इसको बनाते हैं जल्दी जल्दी, जब ये रेडी हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर अब जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, 5 बज चुके थे और अभी बहुत सारा काम था बचा हुआ। तो यहाँ पर ये प्याज डाल दिए, गैस हमारी फुल पर थी, तो यहाँ पर प्याज डाल के इसको थोड़ा सा चलाते हैं। सारी हमने प्याज डाल दी, अब इसको थोड़ा सा चलाएँगे और आपको अब पूरा जब रेडी हो जाएगा तब दिखाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चने बनकर हो चुके हैं तैयार। तो अब देखते हैं क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर आंटी ने दही बड़ों के लिए फुलकियाँ बना के कर ली हैं तैयार। यहाँ पे पालक की पकौड़ी बनने वाली थी और ये पालक में थोड़ा सा मिक्स करके आलू प्याज में वो चॉप हुआ पालक वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर आलू प्याज पालक की बनेगी और ये स्पेशल पालक की जो कि हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में बनती है, ये वाली पालक की पकौड़ियाँ। तो हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में ऐसी बनती हैं साबुत पालक की पकौड़ियाँ। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पर बच चुके हैं 6:15, 15 मिनट बचे थे मेरे पास, तो मुझे बनानी थी जल्दी जल्दी से अफ्तियारी। और अफ्तियारी माशाल्लाह बहुत ही सारी बनानी थी, तो इसलिए फटाफट मैंने जल्दी जल्दी कटिंग करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पर बचे थे 5 मिनट, तो यहाँ पर लगा था दस्तरखान। तो यहाँ पर आफिया निकाल रही थी अफ्तियारी प्लेटों में और दादी भी बैठी हुई थी। तो यहाँ पर अफ्तियारी लग चुकी है, पूरा दस्तरखान हो चुका है रेडी, सब लोग बैठ गए हैं। 2-3 मिनट ही बाकी हैं, सब दुआ कर रहे थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, सब बैठे हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।